बोकारो के दुग्धा थाना क्षेत्र के दुग्धा कोल वॉशरी में बीती रात्रि को पाली में काम करने वाले बीसीसीएल वॉशरी कर्मी राजू राजभर की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात्रि 2 बजे के आसपास पेट में अचानक दर्द होने के कारण मजदूर परेशान था। इसकी जानकारी परियोजना पदाधिकारी को दी गई, लेकिन इतने बड़े प्लांट में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था अभी नहीं थी, जिसके कारण मजदूर को चिकित्सा उपलब्ध कराने में काफी देर हो गई और अंत में प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। इस प्लांट में लगभग 300 मजदूर काम करते हैं, लेकिन चिकित्सा के नाम पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इन मजदूरों की सेवा के लिए एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटना आम हो गई है। वहीं इस मामले में जनता मजदूर संघ के शाखा सचिव गुलाब चंद चौहान ने बताया कि रात्रि पाली में इस मजदूर की ड्यूटी थी, उनके साथ 4 और लोग थे। अचानक तबीयत बिगड़ने पर इनके साथ रहने वाले लोगों ने प्रबंधन को जानकारी दी, लेकिन आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। प्रबंधन के पास किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण मजदूर की मौत हो गई। वहीं मजदूर के परिजन को तत्काल नौकरी पर 15 लाख मुआवजा देने की मांग की। अगर ये मुआवजा नहीं दिया जाता है तो यूनियन आंदोलन को बाध्य होगा। अभी ऐसे दूरभाष पर बात हुआ है, कुछ आदमी के मुंह से भी सुनने में आया कि रात में लोग 2:30 बजे मैनेजमेंट आए थे, डॉक्टर वगैरह पीओ साहब लेकर आए थे। तो बात कोई बोले होंगे, अभी पूरा क्लियर बात पता नहीं है। जब जीएम साहब, पीओ साहब, पीएम साहब भी आ गए हैं, सब आ गए हैं, उसके बाद फिर बात होगा, जिस तरह का फिर देखा जाएगा। ये पहले भी इस प्रकार की घटनाएं घटी है क्या? इसी प्रकार लोगों की मौत होती है और मैनेजमेंट देखता रहता है, आप लोग क्या करते हैं इस पर? हम लोग तो इस पर लड़ाई लड़ते हैं और मैनेजमेंट देखता नहीं रहता, उससे जबरदस्ती हम लोग करवाते हैं। जो भी सुख सुविधा या जो भी पैसा मिलने का ये होता है, सब लोग दिलवाते हैं। एम्बुलेंस नहीं होना मामला, इसमें प्रबंधन की 100% लापरवाही है। यहाँ प्लांट में मैनेजमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है, इसका अगर सरासर कोई दोषी है तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के बाद आज के दिन में एक एम्बुलेंस नहीं है कि मजदूर को हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। अगर दुग्धावासरी में एम्बुलेंस रहता तो इसका जान बचाया जा सकता था। क्या वजह है कि आपका अस्पताल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है और आप लोग इतने सैकड़ों की संख्या में वर्कर हैं, अगर चोट लगती है तो क्या व्यवस्था की गई? इस पर हम लोग यूनियन की तरफ से बराबर मांग उठाते रहे हैं कि दुग्धा एम्बुलेंस दिया जाए, लेकिन प्रबंधन वार्ता में तो सरकार स्वीकार करता है कि ठीक है उपलब्ध करा देंगे, लेकिन बाद में यहाँ से वासी CGM लेवल तक भी वार्ता हुई है एम्बुलेंस के बारे में, लेकिन आज तक